I don't think I'm in Vogue really. A long way to go till I can call myself being in Vogue, but I'm trying to be. Like I've told you guys before also, I'm trying to dress better and look better, and I hope it's showing really. I'm very proud. I'm very proud actually, because being awarded by Vogue is no small feat really. I think you can only be on the cover or be in the magazine or be awarded by them when it really means something. So when I heard about it the first time, I was very excited. Abhi face se shuru kiya hai, now the rest of the body parts have to follow. खूबसूरती क्या होती है? I don't know, मैं boring answer नहीं देना चाहती कि अंदर की खूबसूरती होती है और वो सब होता है, but एक ये चीज़ exist करती है कि अंदर से जब आप really खुश होते हैं एंड अंदर से आप बहुत confident होते हैं ना, उस दिन आप बहुत अच्छे लगते हैं. एंड आई एम श्योर जिस दिन लाइक आपको हमेशा ऐसा लगता है कि यार आज संडे है या आज सैटरडे, मैं आज अच्छी क्यों लग रही हूँ, क्योंकि उस दिन आई थिंक आप खुश होते हैं. सो आई थिंक इनसाइड यू हैव टू बी हैप्पी टू लुक प्रिटी, आई थिंक सो. इस ये और वो का क्या लेना देना चाहिए और वो को आज सिर्फ वो के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपने, नॉट अलाउड. हाँ बेटर नॉट टेक, डोंट टेक ब्यूटी टिप्स फ्रॉम मी, इट विल बी द वर्स्ट. ओह हाय, कम फिनिश योर फोटो. अरे उनको करने दो प्लीज. व्हाट वाज आई सेइंग? हाँ ब्यूटी टिप्स दे रही थी मैं यार. ब्यूटी टिप्स के लिए आप मैगजीन ही पढ़ो तो ज़्यादा बेटर है. आई डू थिंक दो, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर एंड गेट योर स्लीप रियली, एंड मेकअप एंड हेयर विल डू द रेस्ट. हाँ वेल लास्ट टाइम भी हमने कहा था कि चोपड़ा वीकेंड है, एंड कोइंसिडेंटली इस बार फिर से हम लोग साथ में आ रहे हैं. हम लोग खुद बहुत हंस रहे थे ये सुन के कि क्या प्रोड्यूसर्स क्या कर रहे हैं, हमें आ रही फिल्म साथ डाल रहे हैं. बट लाइक वी सेड लास्ट टाइम आल्सो, आई होप बोथ द फिल्म्स आर सक्सेसफुल, आई होप बोथ द फिल्म डू वेल. बाकी नेहा विल टेल यू द रेस्ट. काम काम काम, ओके थैंक यू. हाँ किसी को भी नहीं यार. फ्लॉप इसलिए होती है, या तो पिक्चर बुरी होती है या ऑडियंस को पसंद नहीं आती, कुछ ना कुछ. सो एवरी फिल्म हैज इट्स ओन स्टोरी यार, मुझे नहीं पता कि फ्लॉप होती है. थैंक यू. या आई थिंक सबसे बड़ा थैंक्स आप सबको है कि आप लोग भी सिर्फ स्टार्स की मूवीज़ नहीं पसंद करें. अगर हम लोग भी किसी फिल्म में होती है और वो फिल्म अच्छी होती है तो आप लोग उसको भी हिट करते हैं. सो आई थिंक वो सब श्रेय ऑडियंस को जाता है, दैट दे आर नाउ दे हैव द एपेटाइट फॉर न्यूअर पीपल, न्यूअर फेसेस, एंड दे आर वॉचिंग ऑल काइंड्स ऑफ फिल्म. Yeah, the scenario has changed, I think. Now stars are also doing well and new people are also doing well. Thank you.